आराम से ससुर को बढ़िया से अवस्थाई से कन्या निरखन विधि कर मंडप बैठे आए ना उनसे आग्रह करी कि मह छो रही करा Yeah.
के आग्रह पर इनाऊ ज्यों ही दुल्हा जी के कर कमलों से नख चंद्रिका उतारने के लिए और महावर भरने के लिए लहरणी उठाई दृष्टि पड़ी। अब ऐसा चकाचौंध कि श्री इस विधि को करना ही भूल गई नौनिया। लोगों ने कहा कि विधि करो, मैं कैसे करूं? तो फिर क्या कुछ कहना चाहती हो? हाँ, क्या कहना चाहती हो? नाउन की हैसियत से इस जनकपुर में बहुत दुल्हा आए और बहुत दुल्हा को मैंने ये विधि कराई, लेकिन ऐसी नखचंद्रिका, ऐसा दिव्य चरण ये प्रथम बारी मेरी दृष्टि में आई है। तो फिर भी तो कुछ अपना मन का भाव उद्गार व्यक्त करो। मैं सुनो, अब देखिए नौनिया क्या कह रही है। Stop!
चंद्रिका उतारी महावर भाई अब दुल्हा जी से देखिए क्या नेक जोग मांग रहे हैं। शरण सरोज धरि के Yeah.
हमरा काका जी के कौन सोच रहे कि मेवनिया के काका कहाँ है। हाँ तो पहुंचे खड़े हैं गाड़ी है। ए काका जी के संपन्न कराया गया। अब गुरुदेव वशिष्ठ जी भी वही विद्यमान थे तो शतानंद जी बगल में ही बैठे थे। श्री शतानंद जी से एक बात निवेदन करके ब्रह्म हो गए तो मंडप पर आ ही गए हैं। एक बात ध्यान दे, रसकाचार्यों का पूर्वाचार्यों का भाव है हम नहीं कर रहे हैं। प्रिया जी का भी नक्ष हुआ, सिया जी का भी पहले बड़का ब्रह्मोदय का हुआ, हमारे आचार्यों ने लिखा है। पर तो समय विलो कि वशिष्ठ बुलाए कब हुआ, जब प्रिया जो आई वशिष्ठ जी के आज्ञा अनुसार मंडप पर, तो पहले ब्रह्मोदय का नाचो फिर प्रिया जी का, लेकिन हम लोग केवल प्रणाम करेंगे इस विधि को। समय विलो कि वशिष्ठ बुलाए सादर शतानंद सुनियाए एहा देगी कुमारी अबे आन भुजा इस विधि का नाम है कन्या मंडप गमन विधि। से प्रिया जी महल से मंडप पर आ रही हैं, उस समय की बड़ी दिव्य झांकी हमारे पूज महाराज श्री भी श्री शनि लता जी श्री मोद लता जी कैसी, जब प्रिया जी चल रही है तो हमारे श्री आचार्य शनि लता जी लिखते हैं चंद्र छवि छाई चंद्र छवि
अब तो प्रमोदित शांति पढ़ाई मुनिराज श्री आचार्य अरविंद शांति पाठ उच्चारण करने लगे। तेही अवसर कर विधि व्यवहार दोहु कुल गुरु सब किन्ह आचार। अब यहां श्री मिथिला जी के आचार्यों के द्वारा शांति पाठ हुआ। आचार्य कर गुरु गौर गणपति मुदित विप्र पूजा वही श्री वशिष्ठ जी सरत श्री शतानंद जी है आचार्यों के द्वारा श्री गौरी गणेश का पूजन हुआ। मधुपर्व का विधि साधन संपन्न हुआ है। उसके बाद में गौरी गणेश का आवाहन हुआ, पंचोपचार पूजन करवाया गया। मधुपर्व के मंगल द्रव्य जो ही समय मुनि मन मुह चहे धरे करत को पर रहे। फिर अग्निदेव का आह्वान हुआ है, अग्निदेव को प्रकट कराया गया। कवि प्रांत श्री किशोरी जी का नचु भी हुआ है। कवि प्रांत गुणक्ति का विधि हुआ है। अब पादप प्रक्षालन की विधि होने जा रही है। श्री विद्या जनक जी माता सुनैना जी को लेकर मंडप पर आए। बीच में जितनी विधियां हुई गुणक्ति का विधि जो गर्व होने के बड़े भाई साहब आभूषण चढ़ाते हैं इस सब विधि शानन संपन्न हुआ। सियाजू का महसु करवाया गया और आगे पादप प्रक्षालन की विधि संपन्न हो रहा है। पढ़ी वेद मुनि मंगलवाणी गगन सुमन झर अब सुजान
श्री जनक जी मंडप पर आए हैं, श्री सुमेरा जी परात जलझाड़ी सब लेकर के पहुंचे। मणि के मंडप विराजत जनकारी अब तो रानी सुनेना लिए
भारत कुल की जो मन्ना भैया से अवगत नहीं थे वो भैया जी कहते थे, हाँ इसीलिए लगा दोषी सुमाना भैया शिव के नाम
जनक जी अपनी भारी माता सुनैना जी को संग लेकर के श्री दुल्हा जी की पादप प्रक्षालन करी। आगे दुल्हा जी का यह भी विधि हुआ, नूतन परिधान धारण विधि, दुल्हा जी का नया वस्त्र धारण करवाया गया। उसके बाद अब वर कन्या पुत्र साक्षोचार विधि। बहुत ध्यान देंगे, कई लोग समझते हैं कि साक्षोचार विधि अलग है, कन्यादान विधि अलग है, पाणी ग्रहण विधि अलग है। ये अलग अलग नहीं है। वर कन्या साक्षोचार विधि में ही एक कन्यादान और पाणी ग्रहण संपन्न हुआ। सुविधा के लिए केवल हम अलग अलग कर लिए हैं, लेकिन ये एक ही विधि है। साक्षोचार कन्यादान को ही, पाणी ग्रहण को ही साक्षोचार। जिस समय वर कन्या का हाथ एक में जोड़ करके आचार्य जब वहां दान की विधि कराते हैं, उसी समय हमारे दोनों पक्ष के पुरोहित इस साक्षोचार की विधि शुभारंभ करते हैं। तो प्रथम वर कुमार करतल जोर वहां साक्षोचार दो कुल गुरु करें। प्रथम वर पक्ष ओम शांति रन शांति पृथ्वी शांति शांति रोखदया शांति वनस्पतया शांतिर्विश्व शांति शांति रेव शांति सामा शांति रेधि मंगलं कौशलेन्द्राय महनीय गुणाब्धये चक्रवर्ती तनुजाय सार्वभौमाय मंगलम् श्रीरामशरणं समस्त जगतां रामं विना का गति रामेण प्रतिहन्यते कलिमलं रामा प्रतिहन्यते कलिमलं रामाय कार्यं नमः रामात्रश्यति कालभीम भुजगो रामस्य सर्वं वशे रामे भक्तिरखंडिता भवतु मे रामत्वमेवाश्रयः रामे भक्तिरखंडिता भवतु मे रामत्वमेवाश्रयः।
तरोपरि कन्या दक्षिण करम निधाय शाखोच्चार कर्तव्य सुरुचिर जलदाभम भावना भावगम्यम कनक निकर भास जानकी वाम भागम स्मित सुच सुखतांतं कामनी कामकारं बरहृदय सरोजे नौमिराशेश्वरं तं स्वस्ति श्रीमत् सकल जगदगत ध्वंसर परमोदार विनोद विचार सदाचार सच्छास्त्राध्याप सच्छास्त्राध्यापरायण विद्वज्जन गोष्ठी प्रकाश वशिष्ठ गोत्र वशिष्ठैक प्रवर श्रीमन्नाभाग वर्मण प्रपौत्रः श्रीमद वज श्रीमत् अज वर्मण पौत्रः श्रीमद् दशरथ वर्मण पुत्रः प्रयात पाणि शरणं प्रपद्ये स्वस्ति सुवासो भूषयोर वन वर कन्ययोर मंगलमास्ताम मंगलम भगवान विष्णुर मंगलम गरुड़ध्वजः मंगलम पुंडरीकाक्षो मंगलायतनो हरि कन्या पक्ष हरे वर पक्ष श्री गुरुदेव वशिष्ठ जी के रूप में हमारे पूज्य श्री मुलुक पीठाधीश्वर सरकार साक्षोचार की विधि सामने संपर्क करवाए और कन्या पक्ष से श्री शतानंद जी के रूप में श्री शतानंद जी श्री गुरु चरण दास जी जी हाँ श्री पूज्य श्री महाराज जी के कृपा भजन है पूज्य श्री महाराज श्री मुलुक पीठ वाले महाराज जी के कृपा पात्र है और श्री वाराणसी श्री विश्वनाथ भगवान के चरण शरण में अध्ययन कर रहे हैं बहुत ही मधुर भक्त अभी से सीताराम जी हरि ओम तत्सत् श्रीमते आनंद भाष्यकाराय श्री रामानंदाचार्याय नमः श्रीमत्यै जानक्यै स्वाहा ओम शांति ही शांति ही शांति ही जयति जनक जाया पाद पद्मं मनोज्ञं हरिहर विधिवंद्यं साधकानां सुसेव्यं नखर निकर कांतं मुद्रिकानुपुराद्यैः वर मुनि हृदि मध्ये योग योगीश भाव्यं स्वस्ति श्रीमत् सदाचाराचरण परिलब्धा गरिष्ठादि मुनिगण जे गीयमान यशरचंद्र धावली कृत जगत्रयस्य गौतम गोत्रस्य गौतमांगिरसाप्यायेति त्रिपुरवरस्य श्रीमत् स्वर्णरोमवर्मणः प्रपौत्रिं श्रीमत् ह्रस्वरोमवर्मणः पौत्रिं श्रीमत् शीरध्वज वर्मणः पुत्रिं प्रयत्पाणिः शरणं प्रपद्ये स्वस्ति सुवासो भूषयोर् वरकन्ययोर् मंगलम् आस्ताम् वरश्चिरंजीवी भवता कन्या च सावित्री भूयात् ओम द्यौस्त्वा ददातु पृथ्वी त्वा प्रतिकृष्णातु यस्त्वया धार्मश्चरितव्यः यो नया सह धार्मे चार्थे च कामे च त्वयं नातिचरितव्या श्री मिथिलेश्वर राजकिशोरी जोगी दोनों पक्षों के आचार्यों के द्वारा
यह शानंद नृत्य कब संपन्न हुआ? जिसमें श्री विदेहराज अपनी लाडली सर्व संपन्न सुकुमारी श्री प्रिया जी का हाथ गर्म होने के हाथ में उसने पान शंख और दुर्वाक्ष आदि आदि जितने हैं सब रख करके जब कन्या दान करने लगे, इधर वर को वर करते जोरी साथ चारी गुरु करे वर को सारे सुपारी पुष्प चंदन द्रव्य सब लेकर के और अब कैसी विधि कर रहे हैं श्री हमारे आचार्य जी लिखते हैं जल्दी चलिए आप श्री पुरोहित जी भी वहां बैठे और कन्या का हाथ उसमें पान सुपारी अक्षर शंख द्रव्य सब लेकर के हाथ पर रखे। वहाँ बड़ा भावपूर्ण विधि है, संकल्प कराया गया है कि जनक जी के द्वारा सभी लोग देवताओं की प्रार्थना की गई है। तदुपरांत जल्दी प्रिया जी को बिठाए वहाँ जगह पर श्री जनक जी के श्री किशोरी जी को जनक जी के जगह पर बिठाए गज कर पंजर
श्री गुरुदेव वशिष्ठ जी यहाँ मंत्र उच्चारण करने लगे और वही मंत्र दुल्हा जी से पढ़वाया गया। गुरु वशिष्ठ मंत्र उच्चारण आचार्यों के द्वारा गौरी गणेश पूजन आदि के बाद अग्निदेव को भी प्रकट किया गया है, इसलिए उसके साक्षी हैं श्री अग्निदेव। सब कारुणिक दृश्य उपस्थित हुआ कि माता स्वयं अपने को रोक नहीं सकी और सुसुकी मोर प्राण
सुवर्णा जी की स्थिति को देख करके अनन्या समझाने का प्रयास करती है, लेकिन कैसे समझाया जाए। अनन्या कहती कि धीरे धर धीरे मैया है सुवर्णा मांडवी जी का, श्री लक्ष्मण जी उर्मिला जी का और श्री चूलवा दुल्हा जी शत्रुघ्न कुमार जी श्री सुत की रथ जी का जब पानी ग्रहण करने लगे, तो उसी समय धन धन सुनैना माई के अंगनवा दुल्हन Thank you.
सतिया आप सब बैठे रहिए केवल महाराज जी को प्रस्थान करना है क्योंकि बहुत जल्दी बनारस पहुंचना है और सब बैठ के थोड़ा आनंद लीजिए और ये मत कहिए कि महाराज जी मैंने यहाँ से निकल है महाराज जी का स्नेह यही पर में है और महाराज जी के प्लेन में टिकट है तो कहीं लेट होगा तो छूट जाएगा आप लोग यहाँ आराम से बैठिए और पूरा आनंद लीजिए विवाह का धन धन सुने नाम के सर्वेश्वर रघुनाथ याचक वै विदेह पुरुषित ओरे हाथ पान ग्रहण लखि छा गई जय जय धुन चहोर जन घन दानी योग लख नाचत कुहकत मोर कन्या धन है और को राख सके को नाही जाकी थाती वाही को शपत उन्हीं कहाँ बोलिए कन्यादान पानी ग्रहण विधि की बोलिए साखो चार कन्यादान पानी ग्रहण विधि की जय तो भाव स्पष्ट हुआ कि साखो चार कन्यादान पानी ग्रहण ये अलग अलग नहीं एक ही विधि है और सागर ये संपन्न हुआ अब इस विधि के बाद अब गर्भ को परस्पर ग्रंथि बंधन करके भावरी की एक बार ध्यान दे भावरी के समय बहुत लोग उत्सव को इतना करते हैं सारी व्यवस्था सबको प्रसाद मिलेगा इसका कारण यह होता है कि आगे वाली विधि गौण हो जाती है इससे आपसे अनुरोध प्रार्थना है कि जो विधि होने जा रही है सब बैठे रहेंगे कोई वहां तक जाने का प्रयास न करें जिनको दुल्हा जी की कृपा से प्रसाद मिल जाए अथवा विवाह की विधि संपन्न होने के बाद उसको फिर लावा का प्रसाद मिल जाएगा अंत में भामरी के बाद जो विधि होती है चुमावनी की अंतिम विधि पुष्पांजलि गर्भवती पर पुष्पांजलि नाम संकीर्तन दुल्हा जी को कोहबर टहलिया ले जाकर विश्राम कराती है ये सारी विधियां गौण हो जाती है ये अव्यवस्था में इसलिए आप लोग शांत होकर बैठे रहे अब भामरी की विधि अलिया पहाड़े गर्भवती को ग्रंथि बंधन कराएंगी दुल्हा जी के सारे साहब श्री दुल्हन की भैया घी मतलब लावा मुनि अनुशासन नहीं सकी करण लगी गत जो है देवी की चुंदरी रघुबर पीत कछो सब ही मोर सब ही बंध यर मोक्ष प्रद प्रभु समरत सिर मोर दिन को गही बांधत सखी सी अंचल की छो इसको अलिया अबाई पूज्य को दे इस दिव्य झांकी का दर्शन करके बड़ा भावपूर्ण यहाँ पर निवेदन करते हैं सिया सजने के
गाठी में बंधा है सुखी सिया कैसी भावरी हो रही है, पहले कन्या आगे गर्भ होते पीछे चारों दूल्हा प्रसाद सबको दीपक बैठाओ, सबको बैठाओ वहां सामने वाले।
आगे जो विधि होने जा रही है, इस विधि का नाम है सेतु दान की विधि।
दुल्हा जी अपने अपने दुल्हन के सीमांकक में सिंदूर चढ़ाएंगे। सभी लोग शांति से बैठे हुए ताकि आगे वाली विधि सर पर भी है सर विधि पूर्ण हो सके। इसलिए सभी जो आगे के माताएं बहने सब खड़ी है, सब बैठ जाए। बोलिए दुल्हा सरकार की जय। ये चले मंडप पर श्री प्रिया जी को और वहाँ सिंदूर दान कर दी। अरे मीरा को हमें अलिया कहाँ है सर? देखो बाबा दे रहा है कोई नहीं चले जब तक बाबा भी कोमल में नहीं चलेगा। इतने भावपूर्ण मर्यादित विवाह है इसलिए प्रभु को मंडप पर हमारे पूर्वाचार्यों ने नहीं छोड़ा। दोनों पवित्र कुंज को और मित्र कुंज में शरण कराया और ताकि सुख में श्री प्रभु वहां विश्राम करें। इसलिए सभी लोग शांतचित होकर बैठे रहेंगे जब तक कि श्री प्रिया जी और दुल्हा जी कोहर में नहीं यहाँ से प्रस्थान करेंगे। राम श्री श्री सुनो स्वामी जी ने बड़ा सुंदर उपमा दिया है। हम लोग से आगे
चुमावनी करेंगी, उसके पहले भोंगट उठाई का विधि भी संपन्न हुआ, उसके बाद चुमावन करेंगी। जय जय